I think it's very unfortunate. People are reacting without even watching the film. And I mean, I'm glad it's releasing. I would just say that finally. We're all waiting for that too, yeah. Okay. I would love to do a biopic for sure. So hopefully that will come my way. Yeah. Yes. Finally, that date has been released. How excited are you for that? I'm very excited. First of all, Nirdosh is releasing, and just yesterday we launched the poster. So, but I'll start talking about it once that's about to release. So. Okay, thank you, thank you. Yeah, thank you. Bye. नर्वसनेस और एक्साइटमेंट तो हर फिल्म की रिलीज से पहले होती है और इसके साथ भी है, लेकिन अभी इतने एक्सपीरियंस हो गया है कि ज़्यादा उम्मीदें भी नहीं रखते हैं, ताकि यू नो वी सी हाउ द रिएक्शन इज़। हमने अपना काम कर लिया है, मेहनत से किया है, सिंसियरली किया है, एफर्ट्स अच्छे हैं, फिल्म अच्छी बनी है और अब ऑडियंस के हाथ में है। जब ऑडियंस को पसंद आएगी तो आई विल बी हैप्पी। या नहीं, फैमिली ने अभी तक नहीं देखी। जिस दिन वो ट्रायल होने वाली थी उस दिन थोड़ा सा लाइट बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर का कोई प्रॉब्लम हुआ था तो वो नहीं देख पाए। दे आर सीइंग इट टुमारो, कल देखेंगे। वेल, आई वुड लाइक टू विश हैप्पी रिपब्लिक डे। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? तो फिर मेरे को, मुझे क्या करना चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नाउ दैट द मूवी इज गुड फॉर पब्लिक कंजम्पशन, देन इट्स गुड फॉर पब्लिक कंजम्पशन। सस्पेंस थ्रिलर है, मर्डर मिस्ट्री है, और जो एक इस जॉनर के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स, इंटरेस्टिंग चीज़ें, ऑडियंस का इंटरेस्ट रहना चाहिए। क्या हो रहा है वो कुछ हद तक आपको पता नहीं होना चाहिए, आपका यू नो क्यूरियोसिटी लेवल हाई रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। इट्स अ वेल मेड फिल्म, स्लिकली मेड फिल्म, जो एक थ्रिलर से आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो है। हाँ अच्छा, तो फिर आपको मैं बता ही देता हूँ ना, फिर फिल्म क्यों देखेंगे लोग? हु इज द रियल किलर? इतना मतलब कमाल आदमी हो यार। यू रियली थिंक कि अगर एक मर्डर मिस्ट्री में आप मुझसे ऐसे सवाल पूछोगे कि कौन किलर है, तो मैं एज एन एक्टर ऑफ द फिल्म बोल दूंगा कि कौन किलर है। नहीं, आप बताओ। नहीं, मेरे अनुसार नहीं, एक ही किलर है, अनुसार कुछ नहीं होता है। मैं बता दूं, वो प्रोड्यूसर है ना, मेरा गला पकड़ लेगा अभी। ठीक है, हाँ ये अच्छा लगा आपको सवाल। अब ठीक है, सादा ये आपका नहीं था सवाल, ये इनका था, आपका इतना अच्छा नहीं था। आई थिंक हर फिल्म के साथ कोई ना कोई फिल्म आती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ मूवी विच इज गॉट अ सोलो रिलीज, यू नो, सो दैट इज ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक इतना ऑडियंस है कि दे कैन सी ऑल काइंड ऑफ फिल्म्स। There are so many theaters, you know, we have got about 500 theaters, they'll have about so many, there's enough and more scope for the audience to see whichever film they like. Aisa koi problem nahi hai. Thank you. Bata do killer. Baat hai doston ke ji, hum pehle bhi aapne wahan mile the, hum discuss bhi kiye the. Okay, aap boliye. ट्रेलर में देखिए तो बहुत ही अच्छा रिएक्शन मिल रहा है, क्योंकि द ट्रेलर इज़ एवरीवेयर, यू नो, प्रोड्यूसर्स हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब इन पब्लिसाइजिंग इट। और मैं जब भी ट्विटर पे जाता हूँ, इंस्टाग्राम में जाता हूँ, तो यही ट्रेलर देखने को मिलता है जो हमारा है। सो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी किक्ड अबाउट इट।
देखिए एक्साइटमेंट और प्रेशर तो हर फिल्म की रिलीज से पहले होता है. इस फिल्म में खास कर इसलिए क्योंकि मेरी काफ़ी उम्मीदें हैं इस फिल्म से. सिंपली बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इस जॉनर की फिल्म आ रही है, समथिंग लाइक हु डन इट. आजकल इस किस्म की फिल्में लोग बनाते ही नहीं हैं. सो इट्स गोइंग टू बी अ रिफ्रेशिंग चेंज टू वॉच अ फिल्म लाइक दैट, अ मर्डर मिस्ट्री, वेरी हिचकॉकियन स्टाइल. तो इसलिए मुझे थोड़ा सा आई हैव माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप. जी मैं समझा नहीं. जी 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 वो नेगेटिव शेड अगर जाए तो अच्छा है, बिकॉज मैं नेगेटिव रोल कर रहा हूँ फिल्म में. तो अगर पॉजिटिव शेड चला गया तो फिर तो गलत बात हो जाएगी, नेगेटिव ही जाना चाहिए ना. तो अच्छा है, व्हेन यू प्ले अ बैड गाय यू शुड प्ले अ बैड गाय. नहीं जी, मुझे जहाँ काम मिलता है मैं वहाँ करता हूँ. तो वहाँ पे आजकल फिल्में मिल रही वहाँ कर लेता हूँ, यहाँ मिलेगी तो यहाँ कर लूँगा. मुझे जो जो मुझे फिल्में देगा मैं वहाँ काम करूँगा. जी जी एक्सपेरिमेंट जो वहाँ की क्रिएटिव टीम है हमारी, उन्होंने बहुत उसमें योगदान दिया था. जिन लोगों ने मेरे कपड़े बनाए, जिन लोगों ने मेरी पगड़ियाँ बनाई, बहुत उसमें योगदान दिया. मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह डिज़ाइन किया उन लोगों ने. सो काफ़ी हद तक मेरे लिए कई चीज़ें आसान होगी. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर क्रिएटिव टीम ऑफ डिस्कवरी जी एंड बैटल ऑफ सारागिरी. बिल्कुल बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस किए. टेलीविज़न हमेशा एक स्ट्रेसफुल मीडियम रहा है बिकॉज ऑफ द वर्क लोड, क्योंकि आपको हमेशा एपिसोड्स के बैंक देने पड़ते हैं. तो अब इस बार मैंने जब टेलीविज़न में काम किया तो मुझे लगा कि जो लोग काम करते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने स्ट्रेस को मैनेज करने का बड़ा अच्छा तरीका ढूंढ लिया. सो इट वॉज अ रिफ्रेशिंग चेंज. थिंग्स आर मोर कोऑर्डिनेटेड एंड दे मोर प्रोफेशनल. सो विच वॉज अनलाइक व्हाट इट वॉज इन माई डेज. थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, लव यू. अच्छा ये ऐसे ही रैंडम कि वो आए लोग आ गए हैं जो आपको जानते हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, और सबसे ज़्यादा क्रिटिकल वो लोग होते हैं जो आपको इतनी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि वो सीधा बोल देते हैं कि नहीं अच्छी नहीं लगी या फिर बहुत अच्छी लगी. सो आई एम वेरी नर्वस और थोड़ी स्ट्रेस हूँ, क्योंकि सब लोग इधर उधर खींच रहे हैं, इधर आइए हमसे बात करिए. अभी फिल्म के बाद ही देखेंगे कि क्या होगा. हमेशा कोई भी रिलीज़ के पहले थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी होती है, थोड़ी सी नर्वसनेस भी होती है, तो इट्स अ मिक्स फीलिंग. और कल परसों जब फिल्म रिलीज़ होगी, रिव्यूज़ आएंगे और कलेक्शंस पता चलेंगे, तभी या तो हम रिलैक्स हो जाएंगे या और ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएंगे. तो देखते हैं, फिंगर्स क्रॉस्ड. लुक स्ट्रेट. सॉरी आई डिडन्ट गेट अ क्वेश्चन. आई थिंक क्योंकि आजकल के ज़माने में इतने ज़्यादा सस्पेंस थ्रिलर्स नहीं बनती हैं, तो जो लोग को ये जॉनर पसंद है वो ज़रूर जाके देखेंगे, बिकॉज इतनी वैरायटी नहीं है. और स्पेशली ऐसी मूव में क्योंकि ये अलग तरीके से इंटरटेनमेंट होती है, शायद इसमें जो मासेस की जो फिल्म्स होती हैं जहाँ आप कॉमेडी जोक्स
बड़े बड़े गाने जहाँ लोग यू नो रनिंग अराउंड ट्रीज, वो सब शायद नहीं होते हैं, लेकिन हर सीन को आपको बहुत इम्पोर्टेंस देना पड़ता है क्योंकि आपको फॉलो करना है कि अगले सीन में क्या होने वाला है, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री है. तो आप बैठ के गेस करते रहते हो कि शायद ये यू नो कातिल है या इसका कातिल होने वाला है. आपको तो इस फिल्म में ये भी नहीं पता कि नहीं मर्डर किसका होने वाला है. सो इट्स वेरी इंटरटेनिंग इन अ डिफरेंट वे. एंड आई थिंक नाउ डेज जो सिनेमा है इट्स ओपनिंग अप टू सो मेनी डोर्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट. सो आई रियली थिंक दैट ऑल दीज डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज कैन डू वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस. जैसे इन्होंने कहा कि सारे एलिमेंट्स जो एक टिपिकल मसाला फिल्म में नहीं होती हैं वो शायद इस फिल्म में नहीं है, लेकिन इट्स अ वेरी इट टेस्ट यू सेरिब्रली. आप इन्वॉल्व हो जाएंगे फिल्म में और ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट नहीं है. गाने हैं, एक कॉमिक एलिमेंट है मुकुल देव के कैरेक्टर के साथ, तो एंटरटेनमेंट भी है. बट आप अपना दिमाग घर पे छोड़ के नहीं आ सकते इस फिल्म के लिए. आपको सोचना पड़ेगा हर सीन में, जैसे कि उन्होंने कहा कि हर डायलॉग पे ध्यान दे के कि क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आगे जाके आपको शायद गेस करना पड़ेगा कि किलर कौन है और कातिल किसका किसने किया है, कातिल किसका हुआ है कत्ल. जी मुझे और कुछ पता नहीं, मैं निर्दोष हूँ बस इतना पता है मुझे इस फिल्म के अंदर और रियल लाइफ में भी. See, I will not be lying and saying that it will maybe not affect, but it's also, see, people who like watching movies and hear if it's a good movie, no matter how many movies are releasing, they're always going to watch that movie. So I'm confident about that. Basically, it can be 5 movies or 10 movies. They can be all in the same genre, but that doesn't mean everybody's good. I'm not saying that my movie will be better than any other movie. Maybe it can happen, you know, the opposite way also. So you just have to, you know, cross your fingers and believe in God and believe in your luck. वही चल रहा था मेरे दिमाग में. सस्पेंस थ्रिलर नहीं है वो, पीरियड फिल्म है. पीरियड फिल्म है, बहुत अलग है. बहुत अलग है. हमारा तिरंगा इज अ जॉनर पीरियड फिल्म जो बहुत कम बनती हैं. पेट्रियाटिक फिल्म है, बहुत ज़्यादा इमोशंस और इमोशनल कोशेंट है, पैशन है, पेट्रियटिज्म है. तो वो भी जाकर देखेगा. 6 से 8 निर्दोष देख सकते हैं, 8 से 10 हमारा तिरंगा देख सकते हैं. क्या किया जाए मेरे साथ, क्या किया जाए मिलोर्ड, इनको गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए. क्यों गिल्टी है, गिल्टी है. आप सबको लगता है गिल्टी ऑफ लुकिंग सो हॉट? ओह नो. ऑफ कोर्स इट्स डिसअपॉइंटिंग बिकॉज़ फॉर मी आई हैवंट डन something very like sensuous ever. You will like, a lot of people think that oh Mehak has his hot image, but this is the first time I'm doing something which is like a little bit sensuous. So you know, you're a little uncomfortable when it happens obviously, but it's not, I can't blame my directors or my producers. It's obviously, it's 1,000 people on sets and you do not know who's doing what at what time. Hum to apna kaam karke chale jate hai, phir monitor wahan hota hai, phir editing room hoti hai. So obviously, but I'm not, see, it's a scene which is there in the movie, so obviously the rest of the world will be watching that scene, but it's not that it's something jo aap bolenge ki hai kuch aisa shoot ho gaya jo humne you know nahi dikhana tha, aisa kuch nahi hai. But I'm sad that film se pehle wo leak ho gaya. Obviously it should not be happening at all. And I'm just happy ki you know she's taking it in a good spirit, kyunki normally if any other actress had faced something like this, she would have created a big scene about it. And maybe even you know, taking the producers up, and you know, maybe even not promoted the film, but she's been very sporting and done that. I'm also happy ki the end of the film or the climax of the film has not been revealed. Spoilers bahut hote hain is genre mein, thrillers mein khas karke, aur log spoil spot play karte hain, which is not a good thing. So please, jo bhi aap dekh rahe hain is interview ko, please jab aap film dekhoge, please tweet ya mat kuch bhi mat kariye, Facebook pe mat daliye कि कातिल कौन है और कत्ल किसका हुआ है. वो भी एक्चुअली फिल्म में रिवील होता नहीं है अंटिल द आई थिंक इंटरवल पॉइंट. तो गो वॉच निर्दोष, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, एंटरटेनिंग, बट यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन. जी I
See, I think it's a very sensitive topic. When you are making a movie, especially about something, a subject like this, yeah, obviously people bolenge, jo log is in sab cheezon mein mante hain ki aap jo bhi bana rahe ho, pehle aap to facts sahi hai ya nahi sahi hai, us pe kafi discussions hoti hain. But I also live in a world where I believe in free speech. I really do that. आप fictions movie बनाते हो, किस तरीके से भी movies बनाते हो, अलग अलग subjects पे आप बनाते हो. कोई लोगों को पसंद आती है, कोई लोगों को नहीं पसंद आती है. But we do live in a world जहाँ हम लोग कहते हैं women power, we say free speech, then we should let that be. But I'm saying we have to be careful of people's sensitive feelings for sure. और फिल्मों का reach इतना ज़्यादा है, you know, it लोगों को छू जाती हैं फिल्में, उनको लगता है कि जो फिल्मों में दिखाया जाता है इज़ द ट्रूथ. तो अगर आप लिबर्टीज़ लेते हैं फिल्मों में, इट कैन गो डाउन एज हिस्ट्री, क्योंकि फिल्म्स हैव सच अ डीप इम्पैक्ट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड सेंसिटिव एज अ फिल्म मेकर. एंड इफ इट्स गोइंग टू बी अ सब्जेक्ट दैट्स गोइंग टू, यू नो, जिसको जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, आई थिंक यू शुड अवॉइड इट एंड फाइंड समथिंग एल्स. Go wash their doors. Please go and wash their doors. Check out our sizzling chemistry. Our first movie together. And if you don't like it or you like it, you can tell us on our social media. Twitter, Facebook, Instagram. Criticism is fine. गालियाँ दे सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन end reveal मत करिए please. Republic Day आ रहा है, तो जय हिंद. And I wish you, all of you, all the love and independence and all of that on this beautiful day, and our country, all the prosperity. Hamara Tiranga jaake dekhiye, it's a passionate patriotic Inki film. Movie. It's a film about the freedom struggle. So go watch it. I'm just going to the washroom real quick. मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा मिलोर्ड, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया. I'm so actually so happy for my friend Ashmit, Mehak. They're in this movie. Arbaaz bhai is in the movie, and I wish them all the very best. ये सारे निर्दोष हैं. By the way, let me tell you one thing. जो चोर है वो कोई और ही है. Yes, of course I watched the trailer. So, what was the one thing that you liked the most? How did it feel? I think I just love the way the movie is cut. Okay, अच्छा suspense है, and most of the suspense movies are, मतलब बीच में कहीं आपको clue मिल जाता है कि इसने किया, but the trailer looked very interesting. That's what I love. So I'm really looking forward जाके picture देखूँ and give my views on how Nirdosh was. देखिए, ऑन स्क्रीन आपने देखा है बिग बॉस में, ऑफ स्क्रीन हमने देखा है कैसे. आई थिंक आई वांट टू सी हाउ दे विल बी ऑन बिग स्क्रीन. सो आई विश देम ऑल द बेस्ट. दे एनीवे अब बहुत ही सिजलिंग है दोनों एक साथ. दो गुड लुकिंग इंसान जब एक साथ मिलते हैं तो धमाका ही होता है. सो इनके साथ भी ऐसा ही कुछ हो गया. Absolutely, I think it's a damn good choice. Surbhi ko main bahut pehle se janta hu, and she's got you know, aise wo ekdam nashili aankhein uski bhi. Aur yes, comparisons honge, but hamesha ek jo nayi cast hoti hai apni khud ki ek energy lekar aati hai, and Ekta is very sensible. She knows what she's doing. So, and Anita ko bhi bahut achhi tarah se janta hu. I think they will, and even Karishma Tanna for that matter. So I think three hot bombshells in Nagin 3 again is going to be history.